हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ समर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खास न्यूज से। दोस्तों, अंजू एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। वहीं अब लोगों में उत्सुकता है कि अंजू भारत में रहेगी या पाकिस्तान। इसको लेकर अंजू के एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा सामने आया है। इसमें उसने संकेत दिए हैं कि अब वो संभवतः भारत में ही रह सकती है। हालांकि अंजू ने ये साफ तो नहीं कहा है, लेकिन जो इंटरव्यू के दौरान कहा है उससे तो अंजू की मंशा कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। अंजू ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चे हैं, जहां उनका अच्छा भविष्य होगा उसे देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। अंजू के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि शायद उसके बच्चे भारत में ही रहना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर अंजू अपने बयान पर कायम रहती है तो फिर अंजू अपने बच्चों के खातिर भारत में ही रह सकती है। ऐसे में कयास है कि अंजू अब भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अंजू के पाकिस्तान से लौटने के बाद जिस तरीके के बयानों से संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि शायद अंजू का पाकिस्तान जाने का मन नहीं है। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि वो भारत छोड़कर क्यों गई, उन्हें भारत ज्यादा पसंद है या पाकिस्तान, इसको लेकर अंजू ने कहा है कि भारत इतना अच्छा देश है कि उसे छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। अंजू ने कहा है कि इसलिए वह वापस भारत लौट कर आई है। उसने कहा है कि अंजू या फातिमा में से दोनों नाम से उसे पुकारा जा सकता है, लेकिन अंजू नाम उन्हें ज्यादा पसंद है। इंटरव्यू के दौरान अंजू ने साफ कर दिया है कि मैं बच्चों से मिलने भारत आई हूँ और भारत की नागरिक हूँ, पाकिस्तान परमानेंट नहीं रहने के लिए गई थी। मैं तो शुरुआत से ही कह रही थी कि मुझे वापस आना है, इसलिए अब मैं बच्चों के अच्छे भविष्य को देखकर ही अपना फैसला करूंगी। बच्चे जहां भी रहना चाहेंगे मैं बच्चों को प्राथमिकता दूंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बच्चे अलवर में रहना चाहेंगे तो शायद बच्चों के कारण अंजू भी अलवर रहेगी। लगातार अंजू की अपडेट के लिए बने रहिए राइट 24 न्यूज के साथ। शुक्रिया।